की उपस्थिति हुई, उनके बीच में समस्याओं को दर्शाया गया, बताया गया, जिन्होंने देखा और समझा और परखा इस कार्य के इंजीनियर सहित। वाकई में वास्तु रूप में समस्या बनी हुई है, जिस समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने स्व एक निर्णय लिया कि अभी कहीं न कहीं इस कार्य के प्रति लोगों की जागरूकता यह जायज है, उसे जायजता को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियर सहित लोगों ने संपर्क स्थापित किया। संपर्क स्थापित करने के तत्पश्चात यह सुनिश्चित किया गया है इंजीनियर के साक्ष्य में और राजस्व विभाग के साक्ष्य में कि हमारी समस्या कार्य निर्माण रोकने का हमारा इरादा नहीं, बल्कि यह कार्य अनवरत चलता रहे। यह हमारा हाईवे बनकर विगत कई वर्षों से, कई दशकों से जिस नर्क में विशेष करके भदोही से लेकर के जौनपुर के वासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, ईश्वर करे संपूर्ण देश विशेष करके उत्तर प्रदेश में ऐसा दिन देखने को किसी को नहीं मिले। ये हम लोगों के लिए आज राजस्व आविष्कार के इंजीनियर सही सभी लोगों को साक्ष में ये मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि इसको इस कार्य को देखकर शायद जितनी खुशी हम लोगों को ही है, इतनी बड़ी खुशी शायद किसी हम सब लोगों के जीवन में और खुशी है, तो उसी खुशी का हम लोग इसका तोड़ मोड़ नहीं कर सकते। हमारा धरना देने का, हमारा रोकने का कोई उद्देश्य दूर दूर तक नहीं है। रही बात ज्ञापन और सूचना देने का पूर्व यह रस्म रिवाज हमारे यहाँ के पदाधिकारियों के माध्यम से डीएम कलेक्टर और इस कार्य योजना के वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जा चुका है, जिसके तहत यहाँ के जो कार्यकारिणी के आपके जो कार्य योजना के वरिष्ठ अधिकारी उनका आगमन हो रहा है, एसडीएम साहब सहित यहाँ के विधायक आएंगे और मैं यहाँ के विशेष करके यहाँ का निवासी होने के नाते मैं जिस प्रदेश या जिस दल में हमारा राजनीति या मैं राजनीति करने की जो मेरे जेहन में जो बात आई, मेरा यहाँ पर मैं एज ए एक नागरिक, मैं इस नगर पालिका का एक नागरिक होने के नाते मैं अपने रामपुर वासियों विशेष करके इस रामपुर नगर पालिका के सभी नागरिकों से विनती करना चाहूंगा, आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जिस तरह से आप लोगों ने रोड के किनारे बैठकर 10 20 5 25 घरों के सामने आई हुई समस्याओं के सामने खड़े होकर अपनी समस्या समझे, आने वाले संपूर्ण नगर पालिका के अंतर्गत आपका उत्थान विकास तभी संभव होगा जब ऐसे ही जिस तरह से आपने एकजुटता और ऐसे आंदोलन का आपने मुखौटा देने का जो साहस किया है, यह साहस आप लोगों के बीच बना रहे। पुलिस प्रशासन और राजस्व विशेष करके इस कार्य योजना के इंजीनियर सहित आप लोगों को मैं यहां का नागरिक होने के नाते एहसास दिलाना चाहता हूं कि यह हमारा अपने समस्याओं को देखकर, हमारे भाइयों की जो समस्या पैदा हुई उसको देखकर के मात्र ही हमारा एक टेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। आने वाले समय में अगर परिस्थितियां ऐसे ही हमारे लोगों को परेशान होने की बात आएगी तो अब यहाँ का नगर पालिका के अंतर्गत यहाँ का जनमानस सब चुप नहीं रह सकता। हमारा उद्देश्य मात्र ही है कि किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है तो समझ लेना हम सब बागी हैं, बगावत काम है मेरा, मर मिटेंगे निज हक के लिए, यही पैगाम है मेरा। ये हमारा शुरुआत है, हम डराना नहीं चाहते लेकिन डरना भी नहीं चाहते, हमें हमारे समस्याओं का निदान हो। छोटा सा 3 फुट के अंतर्गत हम जाकर के अपने समस्याओं का निदान निकलेगा। यदि 3 फुट इंजीनियर साहब 3 फुट की गहराई दे करके इस समस्या का निदान नहीं की जाती तब तक हमारी व्यवस्था होगी, चाहे उसको आप रोकना कहें और चाहे मुझे अपनी समस्याओं के लिए तड़पना कहें। तड़पने और बेसुध की अवस्थाओं में कोई जनमानस आपको फूल फेंक करके आप पर सम्मान नहीं करेगा, उसके हाथ में पत्थर भी आ सकते हैं, ढेले भी आ सकते हैं, कोई भी परिस्थिति बदल सकते हैं। इतना मैं आपको इशारा जरूर करना चाहूंगा, ये इशारा आप उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का कोशिश करें। यहाँ के लोक प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि जागरूक है, अच्छी तरह जानता है, जिसके लिए यहां से लोग निकल करके इस देश के एडमिनिस्ट्रेशन में यह हमारा नगर पंचायत इस देश को 2 IAS दिया है, न जाने कितने अनगिनत इंजीनियर दिए हैं, न जाने कितने नेता दिए हैं। यह हमारा जौनपुर जनपद एक अपने आप में देश में अनोखा जनपद रहा है।
यह जनपद जनपद जौनपुर कभी खामोश नहीं रख सकता। ये छोटी सी हमारी शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन मैं नगर पालिका के अंतर्गत सभी जो आंदोलन में आज सम्मिलित हुए हैं, आप लोगों ने जो अपनी एक हनक और खनक दी है, इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा और हम आप लोगों के बीच महाराष्ट्र में जरूर रहते हैं। जब भी आंदोलन का रूप और स्वरूप कभी आए, मैं आप लोग से वचनबद्ध होता हूँ, हमें आने में 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, मैं आपके बीच दिखूंगा। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को, इस सूचना को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।